अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 30 तारीख है। मैं इस वक्त इकरा और उस्मान के बगीचे में हूँ। यहाँ पे सेब के इस बड़े दरख्त पे मैंने मज़ीद कुछ वैरायटी का इजाफा किया है और यहाँ पे मैंने दो पैमद यहाँ पे लगाए हैं। ये है रोजेट वैरायटी और क्लेफ्ट ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे दो वैरायटी का इजाफा किया गया है। ये है बेकर्स डिलिशियस और ये है स्पार्टन। यहाँ पे ऊपरी हिस्सा खुश्क हो गया था तो यहाँ पे ताज़ा कटाई करके तो टॉप वर्किंग या साइड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए वो खाला के घर से लाई गई वैरायटी के ये दोनों पैमद यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ इस शाख पे मैंने कुछ पैमद लगाए थे लेकिन वो शाख खुश्क हो गई थी, पैमद भी खुश्क हो गए थे। तो यहाँ पे ये एक शाख निकल आई है तो अभी इस पे मैं कुछ पैमद लगाऊंगा। और ये मेरे पास गाला वैरायटी की एक शाख है तो इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। अभी इन दिनों में सबसे ज़्यादा चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल होता है क्योंकि आप दरख्त से एक मैच्योर बड ले सकते हैं। जो भी शाखें मौसम बहार के आगाज में उगना शुरू करती हैं तो उस वक्त से ले कर तो इस वक्त तक वो नई ग्रोथ जो है उस पे जितने भी बड होंगे वो काफ़ी मैच्योर हो चुके होंगे तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मेरे पास गाला वैरायटी की एक शाख है। यहाँ पे मैं चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए इस शाख पे पैमद लगाऊंगा। इसका ऊपरी हिस्सा मैंने काट लिया है। तो ये मैंने एक चिप काट लिया है। और अभी यहाँ पे मैं कटाई करूँगा। एक ये नीचे कटाई अभी मैंने चिप फिट किया है और अभी मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। और ये है वो चिप नज़दीक से। अभी इसके गिर्द मैं पट्टी बांध रहा हूँ और दरमियान में बड को मैं पट्टी से बाहर रखूँगा।
तो ये एक गाला वैरायटी की चिप बडिंग मुकम्मल हो गई है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो, तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।